आर्थिक संकट का सामना कर रहे पाकिस्तान में लगातार हालात बदतर बने हुए हैं। पहले से महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान की अब स्वास्थ्य सेवा प्रणाली भी ठप हो गई है। पाकिस्तान की आवाम को जरूरी दवाओं के लिए भी तरसना पड़ रहा है। दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कमी के कारण डॉक्टर सर्जरी तक नहीं कर पा रहे। ऐसे में दवाओं की किल्लत होने के कारण अब स्थानीय दवा निर्माताओं को अपने उत्पादन को कम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऑपरेशन थिएटरों में दिल, कैंसर और किडनी सर्जरी के लिए एनेस्थेटिक का डोज 2 हफ्ते के स्टॉक से भी कम बचा है। इसके कारण पाकिस्तान में डॉक्टरों की नौकरी जाने का भी खतरा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी की शुरुआत में पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी PPMA के चेयरमैन ने चेतावनी दी थी। इस चेतावनी में कहा गया था कि अगर मौजूदा आयात पर प्रतिबंध की नीति अगले 4 से 5 सप्ताह तक बनी रही तो देश में सबसे खराब दवा संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल कच्चे माल की आवश्यकता वाली लगभग 95% दवाओं के आयात के लिए पाकिस्तान भारत और चीन सहित अन्य देशों पर निर्भर है। बैंकिंग सिस्टम में डॉलर की कमी के कारण आयातित दवा सामग्री कराची पोर्ट पर ही रोक दी गई है, जिसके बाद अब पाकिस्तान के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। कार्तिक आर्यन पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलने का जश्न मना रहे हैं। कार्तिक की फिल्म भूल भुलैया 2 लॉकडाउन के बाद पहली सुपरहिट फिल्म बनी है। अब एक्टर को फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस के लिए जी सिने अवार्ड में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। एक्टर ने इंस्टाग्राम पर इसकी खुशी जाहिर करते हुए पोस्ट भी शेयर किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये पहली बार है जब कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसकी खुशी जाहिर करते हुए एक्टर ने इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में कार्तिक एक हाथ से भूल भुलैया 2 की हुक स्टेप करते हुए नजर आ रहे हैं तो वहीं दूसरे हाथ में अवार्ड लिए नजर आ रहे हैं। इस पोस्ट के कैप्शन में कार्तिक ने लिखा, मेरा पहला बेस्ट एक्टर अवार्ड, थैंक यू जी सिने अवार्ड और भूल भुलैया 2 की पूरी टीम, थैंक यू मेरे दर्शकों मुझे इतना प्यार देने के लिए, मैं आपको एंटरटेन करने का प्रॉमिस करता हूँ। चीन और रूस की बढ़ती दोस्ती ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन ने साफ तौर से ड्रैगन को चेतावनी दी है कि वो रूस और यूक्रेन जंग से दूर रहे। अमेरिका का कहना है कि यदि चीन की ओर से रूस को घातक हथियार मुहैया कराए गए तो चीन को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इसके पीछे अमेरिका का मानना है कि चीन रूस को ऐसे खतरनाक हथियार देने पर विचार कर रहा है जो यूक्रेन को तबाह कर सकते हैं। उधर अमेरिका और उसके सहयोगी नेटो देश चीन को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में अपने मंसूबों को हासिल करने के लिए रूसी सेना किसी भी हद तक जा सकती है। ऐसे में पश्चिमी देशों को यह डर सता रहा है कि रूस खुद को हथियारबंद करने में चीन की मदद ले सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलवन ने CNN को बताया कि चीन को यह निर्णय लेना होगा कि वह कैसे आगे बढ़ता है, क्या वह सैन्य सहायता प्रदान करेगा, लेकिन अगर वह ऐसा करता है तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उधर मैकॉल ने कहा कि चीनी नेता शी जिनपिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के लिए अगले सप्ताह मॉस्को जाने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को पश्चिम के साथ टकराव के रूप में विशेष सैन्य अभियान कहा है जो रूस और रूसी लोगों के अस्तित्व को खतरे में डालता है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों का एक ही लक्ष्य है, रूसी संघ को भंग करना।